वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आगे बात करेंगे हमारे प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन की। गुलाम फोर्स में किस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन एक्ट करता है, क्या हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं और कैसे इसका न्यूमेरिकल यूज होता है, ये चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं शायद। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन को समझने के लिए देखिए, सुपर पोजिशन का मीन क्या होगा कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज थी, उन फिजिकल क्वांटिटीज के सबमर्ज होने पर हमें एक रिजल्टेंट इफेक्ट वहाँ पर शो हो रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं सुपर पोजिशन। तो अब ये सुपर पोजिशन हम जनरली देखते आ रहे हैं, हमने साउंड में देखा था 11th क्लास में लाइट के लिए भी बात करेंगे इंटरफेरेंस में, और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इसकी बात कर रहे हैं, इनके लिए चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो सिंपल सी चीज इसके लिए हमने कंसिडर कर ली कि भाई हमारे पास एक एन चार्जेस का सिस्टम है। इस एन चार्जेस के सिस्टम में हमने मान लिया कि भाई ये चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, एंड इस रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं R1, R2, R3 अप टू Rn वेक्टर्स। इन एन चार्जेस की वजह से हमें रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है, लेट अस से ऑन दिस टेस्ट चार्ज Q1, या हमने टेस्ट चार्ज इसमें कंसीडर कर लिया जिसका पोजीशन वेक्टर हो गया R1 वेक्टर। तो हमें इस Q1 चार्ज पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज अदर चार्जेस। तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि भाई जब भी हम सिस्टम ऑफ चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस। तो वहाँ पर जो अदर चार्जेस की प्रेजेंस है वो उन दोनों चार्जेस के बीच में अप्लाई होने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अफेक्ट नहीं करती, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो सिंपल सा लॉजिक इसको देखिए, जनरल वे में मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने के लिए मैंने कंसिडर कर लिया कि भाई ये क्लास होता है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 50, एंड यहाँ पर टेस्ट चार्ज की जगह मैंने कंसिडर कर लिया कि भाई जो क्लास का टीचर है दैट इज बीइंग कंसिडर्ड एज टेस्ट चार्ज। So, all these students are considered as charges Q1, Q2, Q3, up to Q1, and the teacher is a test charge Q1. So, net force on this charge is equal to vector sum of all individual attraction. इसका मीन क्या होगा कि टीचर हर एक स्टूडेंट के साथ में जो इंडिविजुअल यहाँ पर इंटरेक्शन करेगा उन सबका वैक्टर सम हो गया, यहाँ पर इसके इक्वल उस टीचर ने रिजल्टेंट कितना इंटरेक्शन किया। सेम चीज यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के रेस्पेक्ट में। तो हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि भाई ये एन चार्जेस का सिस्टम है और क्यू नोट यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट कूलॉम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेज experienced by the charges in that system. Clear? So ये इसका statement होगा। इस statement को mathematically क्या कह सकते हैं? Mathematically मैथमेटिकली हमने इसको कह दिया कि भाई नेट फोर्स लेट अस से एफ वेक्टर, सो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, एफ 01 वेक्टर, मींस ए बार इंटरेक्शन वन क्यू नोट एंड क्यू वन। तो हमने फोर्स कह दिया एफ 0 फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू क्यू वन प्लस ए बार वन क्यू नोट एंड क्यू टू। तो हमने इसको कह दिया एफ 02 वेक्टर, सिमिलरली एफ 03 एंड एफ 0n वेक्टर। Clear? So this is the mathematical relation of principle of superposition in Coulomb's law. अगर यहाँ पर मैं forces की value को represent करूँ, तो हम कह सकते हैं F factor is equal to 0 पर तो हमने क्या कहते हैं K Q naught Q one upon क्या होगा यहाँ पर position Q naught and Q one के बीच में हमने ले लिया displacement vector and let us say that displacement vector is R01 square. तो यहाँ पर डायरेक्शन के लिए आ जाएगा आर जीरो हो गया, सिमिलरली के क्यू नोट क्यू टू डिवाइडेड बाई आर जीरो टू का स्क्वायर इंटू आर जीरो टू के एंड सो ऑन। सो एम टर्म जो है के क्यू नोट क्यू एन अपॉन आर नोट एन स्क्वायर इंटू आर नोट के आर नोट एन।
क्लियर। और इसको हम सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखें तो समेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f वेक्टर इज इक्वल देखिए k q नोट, तो सारे टर्म्स में यहां पर कॉमन है तो k q नोट को मैंने ले लिया एक साथ। अब यहां पर रिमेनिंग क्वांटिटीज क्या है, यहां पर तो है q1, यहां पर है r01 स्क्वायर r01 क्या है, सिमिलरली यहां पर q2 अपॉन r02 स्क्वायर r02 क्या है एंड सो ऑन। तो इसको समेशन के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n, 1 से लेके देखिए वेरिएबल क्या आ गए यहां पर q1 q2 q3 अप टू qn, सो हमने समेशन कर दिया इसका 1 से लेके n तक वेरिएबल तक। और यहां पर देखिए हमने बोल दिया इसको qi अपॉन r0i स्क्वायर इनटू r0i क्या है। So this is the desired relation of principle of superposition. Clear? तो ये हमने बात कर ली principle of superposition. Vector sum होगा भी individual forces का. तो ये हो गया इसके लिए mathematical relation and statement. अब हम बात करते हैं numericals की. Complete Coulomb force and principle of superposition पे किस pattern के numericals आपको board exams में करते हैं. उसका अपने brief introduction हम यहाँ थोड़ा देंगे. तो numericals. देखिए सिंपलेस्ट पैटर्न से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया कि पहले फर्स्ट पैटर्न का यहाँ पर क्वेश्चन है वो होगा प्रीवियस अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दो न्यूमेरिकल्स वहाँ पर बताए थे उनसे आगे हम यहाँ पर बात करते हैं किस पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे। उन्हीं दो न्यूमेरिकल्स के डेटा को मैं यहाँ पर वापस कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, हमने कंसीडर कर लिया क्योंकि हमारे पास जो दो पॉइंट चार्जेस हैं q1 is equal to plus 4 microcoulomb and q2 is equal to minus 2 microcoulomb and the charges are separated by a distance of 10 cm in vacuum, इसमें separate होने vacuum। तो question बोल दिया कि भाई यहाँ पर जो force apply हो रहा है charges के बीच में electrostatic force वो क्या है। अब हमें बोल दिया कि हमें complete जो system है इस कंप्लीट सिस्टम को हमने प्लेस कर दिया किसी मीडियम और उस मीडियम के लिए एस और आर की वैल्यू हमने मान ली 9 है, एस और आर की वैल्यू आपको दे दी 9। वी हैव प्लेस्ड दिस कंप्लीट सिस्टम इन अ मीडियम हैविंग रिलेटिव परमिटिविटी 9 इन सच ए वे दैट नाउ फोर्स एक्सपीरियंस और यू कैन से इंटरैक्टिंग फोर्स बिटवीन द चार्जेस remains similar. It means let us say new force जो है Fm is equal to आपको given है F. तो आपसे पूछ लिया कि भाई अब वहाँ पर force को similar रखने के लिए what should be the separation between the charges? तो simple सी चीज़ है कि भाई force अगर equate करना है और epsilon r की value यहाँ पर vary कर रही है, medium vary कर रहा है, तो वहाँ पर हमें अब change क्या करना पड़ेगा? Separation between the charges. So in this question you are asked new distance, let us say new distance is rs, so you have to calculate value of rs, clear? So simple sa pattern hai, simple sa iska concept hai, rakhne ki koi requirement nahi hai, humne kahi hai vacuum ka force kitna ho gaya yahan 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square, isko maine bol diya bhai equation number 1, theek। Similarly yahan pe medium ka force kya hoga, fm is equal to 1 upon 4 pi epsilon r into q1 q2। अब देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो वेरी करती है और यही आपसे वैल्यू पूछी है कि डिस्टेंस कितनी वेरी करेगी, सो इट इज r s स्क्वायर एंड कंडीशन क्या गिवन है हमें दैट fm इज इक्वल टू f, तो fm एंड f को इक्वेट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर दो, तो देखिए इधर क्या आ गया, ये 1 upon 4 pi epsilon r q1 q2 upon r square is equal to 1 upon 4 pi epsilon r q1 q2 upon r dash square। तो 4 pi epsilon r cancel, q1 q2 से q1 q2 cancel, यहाँ पर देखिए इधर क्या बच गया epsilon r into r dash square और इधर क्या बच गया r square, तो इस रिलेशन को मैंने क्या कह दिया और r square is equal to epsilon r into आर डैश स्क्वायर, हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए आर डैश, तो हमने इसको रीअरेंज किया तो देखिए आर डैश की वैल्यू क्या मिली, आर डैश इज इक्वल टू
f को हमारा डिनोमिनेटर में आ जाए तो ये आ गया r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन r का होल रूट, ठीक है। और हम इसको क्या कह सकते हैं, r डैश इज इक्वल टू r अपॉन एप्सिलॉन r का होल। तो वैल्यूज प्लेस कर दो, r की वैल्यू कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो 10 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी गिवन है 9, सो 9 का रूट क्या हो गया 3, 10 बाय 3 मींस न्यू सेपरेशन कितना होगा 3.33 सेंटीमीटर। तो ये चीज हमें जैसे ही हमने एक क्वेश्चन देखा तो ये चीज हमें वैसे ही क्लियर हो गई थी कि भाई अगर फोर्स यहाँ पर सेम बता रहा है इट मींस उनके बीच में सेपरेशन कम होना चाहिए, सेपरेशन कम होगा तभी यहाँ पर क्या होगा फोर्स सिमिलर होगा। सो ये नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन हो गया, ठीक। चलिए और एक पैटर्न की बात करते हैं, और एक पैटर्न के क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछ लेता है मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट कर देता है साहब। जैसे आपसे क्वेश्चन बोल दिया कि भाई कोई हाइड्रोजन एटम है, उस हाइड्रोजन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन रिवोल कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पर बोल दिया कि भाई इसके न्यूक्लियस में कोई प्रोटॉन है, रेडियस इसके लिए बोल दी कि भाई इसके लिए रेडियस है आर इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, रेडियल देती है हमें r इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट की बात। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पर साथ में सर्कुलर का हमें बोल दिया इन दिस सिचुएशन कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी, कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पूछ दिया, कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें यहाँ अच्छा इलेक्ट्रॉन की बात कर दी यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन के लिए देखो मास आपको गिवन हो भी सकता है नहीं भी गिवन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा मैंने फर्स्ट की टाइप वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, डिटेल में बताई थी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए मास होता है एम ई इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻³ kg, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर हम रिलेशन क्या अप्लाई करेंगे, हमने बोल दिया कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स is provided by Coulomb force. तो centripetal force is balanced by Coulomb force. Clear? तो centripetal force क्या होता है? mv square upon r. और हमें तो omega पूछा है यहाँ पर. तो mr omega square. हमने पढ़ा है force. mv square upon r होता है. v की जगह हमने r omega place कर दिया. ये हो गया mr omega square is equal to कूलम्ब फोर्स होता है हमारा k q1 q2 upon r, ठीक। सो दिस इज द रिजल्ट लिस्ट, हमें वैल्यू पूछिए इसकी ओमेगा की, तो ओमेगा हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू k q1 q2 upon r cube into n होल इस वाले रिलेशन q1 q2 की वैल्यू आपको पता है प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, सो यहाँ क्वेश्चन में हो गया q1 इज इक्वल टू q2 इज इक्वल टू e, दोनों के लिए चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है 1.6 × 10⁻¹⁹, ये वैल्यू हमने यहाँ पर रखी, r की वैल्यू हमें गिवन है 0.53 एंगस्ट्रॉम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.1 × 10⁻³ kg एंड वैल्यू ऑफ k हमें पता है। तो करना स्टूडेंट इसे कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने में इतना आंसर आता है आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, वहाँ से हम इसको वापस से क्लेरिफाई कर लेंगे कि आपने कैलकुलेशन इसकी सही करी है या नहीं करी। तो ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन इसकी सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब और एक पैटर्न के क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, और नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन जैसे आपसे बोल दिया कि भाई कोई चार्ज है आपका एक कैपिटल क्यू, और इस चार्ज कैपिटल क्यू को हमें टू पार्ट्स में ब्रेक करना है, इस चार्ज कैपिटल क्यू को हमें टू पार्ट्स में ब्रेक करना है, कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि भाई उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो वो मैक्सिमम। समझो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई कोई हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू, इस चार्ज कैपिटल क्यू को हमें टू
पार्ट्स में कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि यहां पर क्या मिले, मैक्सिमम फोर्स। तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दो चार्जेस, तो उन चार्जेस की वैल्यू क्या होगी जिनमें हमने इसको डिवाइड किया कैपिटल क्यू चार्ज। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए, हमने कह दिया कि भाई हमें कैपिटल क्यू चार्ज गिवन है और इसको टू पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो मैंने मान लिया कि भाई मान लो कोई एक पार्ट तो हो गया हमारे पास स्मॉल क्यू, अगर एक पार्ट हमारे पास स्मॉल क्यू है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, टोटल क्यू में से स्मॉल क्यू को सबट्रैक्ट कर दो तो ये क्या हो गया क्यू माइनस। तो हमने कैपिटल क्यू के दो पार्ट कर दिए, देखो वापस से सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल क्यू मिल जाएगा। तो कैपिटल क्यू को हमें क्यू एंड क्यू माइनस क्यू में ब्रेक कर दिया, हमें यहाँ पर इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इन चार्जेस की वैल्यूज क्या होगी किस सिचुएशन में, व्हेन दे एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलॉम फोर्स। सो मैक्सिमम कूलॉम फोर्स के लिए रिलेशन आपको ध्यान रखना है दैट df अपॉन dq शुड बी इक्वल टू 0। df अपॉन dq कूलॉम फोर्स पे चार्ज के रेस्पेक्ट में जो चेंज है दैट शुड बी 0, ये वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप कूलॉम फोर्स कैलकुलेट करो, हमने कह दिया कि ये दो पार्ट्स में हमने इनको ब्रेक कर दिया और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो r है। तो यहाँ पर क्लियर कूलॉम फोर्स एक्सपीरियंस बाय दी चार्जेस के, एक चार्ज हो गया क्यू, दूसरा हो गया कैपिटल क्यू माइनस एंड डिवाइडेड बाय r, तो सेपरेशन हमने ले लिया r, क्लियर। सो अब इसमें चार्ज के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो df अपॉन dq इज इक्वल, देखो k अपॉन r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, हमें तो q के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना, तो k अपॉन r स्क्वायर को हमने बाहर ले लो एंड यहां पर हमने डिफरेंशिएट कर दिया dq के रेस्पेक्ट में इसको q into कैपिटल q माइनस स्मॉल, क्लियर। तो देखिए क्या वैल्यू आ गई यहां पर, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो देखो k अपॉन r स्क्वायर ये तो मैं 0 कर सकता हूं, यहां पर क्या बच गया अपना d अपॉन dq, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया स्मॉल क्यू इनटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब कर दीजिए भाई इसको डिफरेंशिएट, क्यू इनटू कैपिटल क्यू को हमने जब डिफरेंशिएट किया तो हम कैसे करते हैं इसको डिफरेंशिएट, कैपिटल क्यू जो क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू हमें दी हुई चार्ज की कांस्टेंट, हमें तो इसके रेस्पेक्ट में करना है तो कैपिटल क्यू कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट को ले लिया हमने बाहर और क्यू को हमने डिफरेंशिएट किया क्यू के रेस्पेक्ट में, तो dq / dq क्या हो गया फॉर्म, यही हो गया फॉर्म, माइनस का साइन बीच में माइनस का साइन है, q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dq के रेस्पेक्ट में क्या हो गया यहां पर 2q इज इक्वल टू 0, क्लियर। सो स्मॉल q की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, तो देखिए भाई q इज इक्वल टू क्या आ गया 2q, तो स्मॉल q की वैल्यू क्या आ गई यहां पर आपके पास, स्मॉल q इज इक्वल टू 2/2। तो एक चार्ज तो कितना आ गया, एक चार्ज की वैल्यू आ गई 2/2, तो दूसरा चार्ज कितना हो गया q-2, और q-2 जब हमने किया तो q-2/2 ये वाला चार्ज कितना आ गया q/2, इट मींस इन दोनों चार्जेस की वैल्यूज क्या होगी q/2। उस सिचुएशन में यहां पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा। तो सिंपल सा कांसेप्ट, मैक्सिमम फोर्स के लिए आपको कंडीशन जाननी है, क्लियर। तो ये हमने यहां पर कंडीशन, अच्छा यहाँ पर रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई साहब ये कैसे कर दिया, आप यहाँ पर क्या कह सकते हो, अगर ये क्यू के रेस्पेक्ट में लिया है तो क्यू के रेस्पेक्ट में ले सकते हो, अगर आप इन चार्जेस को q1 q2 बोलते हो तो आप यहाँ पर df अपॉन dq1 ले सकते हो या df अपॉन dq2 ले सकते हो, दोनों के रेस्पेक्ट में आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, चार्जेस की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं है। तो ये हो गया एक और नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है जी। फिर एक और पैटर्न का हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो स्ट्रिंग वाला, ये भी आपका मैकेनिक्स से रिलेटेड। हमने कह दिया कि किसी रिजिड बेस से कोई हमने स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से सस्पेंड कर ली है कि इस पे नीचे ये कोई एक चार्ज पार्टिकल है, क्या है यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर टेंशन एक्सपीरियंस कर रहा है वर्टिकल के साथ में, ये जो एंगल है क्या हमें बोल दिया 30 डिग्री, कितना बोल दिया 30 डिग्री का हमें एंगल बोल दिया और हमें बोल दिया कि भाई यहाँ पर इन दोनों के बीच में
जो सेपरेशन है वो है कोई आर, सेपरेशन है कोई आर। तो यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल के लिए हमने मान लिया कि इनका चार्ज है, ये है इलेक्ट्रॉन, हमने बोल दिया माइनस टू पी, इसका चार्ज हमने ले लिया माइनस टू पी, और यहाँ पर इस वाले का चार्ज हमने ले लिया माइनस टू पी, ये हमने दोनों के चार्ज ले लिया। तो ये चार्ज पार्टिकल वर्टिकल के साथ में यहाँ पर चार्ज, ये एंगल है 30 डिग्री का एंगल है। तो हमें यहाँ पर इसने बोल दिया कि भाई टेंशन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी हो, टेंशन फोर्स पूछ लिया हमें स्ट्रिंग। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम टेंशन फोर्स, यहाँ पर देखिए ये टेंशन हमेशा रहता है अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो ये टेंशन यहाँ पर क्रिएट होगी कैपिटल टी, ये एंगल 30 डिग्री का, तो हमने क्या कर दिया इसके कॉम्पोनेंट्स कर दिए यहाँ पर। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया ये इस तरफ, तो ये एंगल 30, तो ये वाला एंगल 30, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा टी कोस 30, क्लियर, टी कोस 30। वेट कितना हो गया इसका एम जी, वेट कितना हो गया एम जी, सो टी कोस 30 तो बैलेंस हो रहा है यहाँ पर किससे, एम जी से, और यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया टी साइन 30, तो ये t sin 30 यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर बैलेंस कर रहा है किसको, कूलॉम फोर्स। तो बस कर लो बैलेंस कर लो, तो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होगा, बैलेंसिंग कंडीशन में हमने बात कर ली हुई यहाँ पर दैट t cos 30 इज इक्वल टू एम जी एंड t sin 30 इज इक्वल टू के 2e into 2e कितना हो गया 4e square, तो 4ke square upon separation कितना हो गया 5, ये relation बन गया। अब देखो अभी मैंने क्या आपको tension force पूछा, तो tension force पूछे तो दोनों का square करके sum करो, एक तो relation ये हो गया tension force यहाँ से निकल जाएगा, तो दो relation बन गए, ठीक है। दूसरी चीज आपसे क्या पूछ सकता है, यहाँ पर mass पूछ सकता है, तीसरी चीज आपसे इन दोनों के बीच में separation पूछ सकता है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इसको इसमें डिवाइड करूँ तो देखिए रिलेशन क्या है, टेन थर्टी सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में मैंने डिवाइड किया, सेकेंड में फर्स्ट को डिवाइड किया, तो टी से टी कैंसिल, साइन थर्टी अपॉन कोस थर्टी क्या हो गया 10 30, और यहाँ पर क्या आ गया न्यूमरेटर में आ गया 4ke स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ गया आर स्क्वायर एम जी। अब ये एम चार्ज पार्टिकल का मास आपसे पूछ सकता है, चार्ज पार्टिकल के मास आपको मान लिया होगा एम एम क्यून है, तो एम के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, और इस एम की वैल्यू पूछे आपको आर की वैल्यू देखे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि 10 30 की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। 10 30 की वैल्यू क्या होगी, 10 30 की वैल्यू 1/√3, सो 10 30 की वैल्यू आपने यहाँ से प्लेस करी, तो ये आ गया 4ke² आर स्क्वायर एम जी, तो लो भाई आर की वैल्यू कितनी आ गई 4ke√3ke² अपॉन एम जी एंड इज 4√3, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, क्लियर। तो ये इस पैटर्न के सिंपल पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, ये बनते हैं आपके कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड, क्लियर है। तो कूलॉम्स लॉ पे ही हमने बेसिक 5-4 पैटर्न के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आज। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक दो पैटर्न के क्वेश्चंस जो बेस हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के। पहली चीज जो न्यूमेरिकल्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेके नहीं, आपके बुक्स में पर्टिकुलर वैल्यूज लेके न्यूमेरिकल्स के मैंने जनरल वे में ये क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दिए, जिनमें कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, आपके बुक में जिस भी पैटर्न का क्वेश्चन है आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके वहाँ पर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे मैंने एक सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन ले लिया, हमें बोल दिया कि भाई ये एक कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हो गया ओरिजिन 0 0, इस तरफ हो गया एक्स एक्सिस, इस तरफ हो गया वाई एक्सिस, क्लियर। एक कोई चार्ज यहाँ पर प्लेस्ड है
दिया q1, q1 की वैल्यू होगी प्लस 2 माइनस r। इसके लिए पोजीशन वेक्टर हमें मिल गया यहां पर 2.0, 2 सेंटीमीटर कॉमा 0, 2 सेंटीमीटर कॉमा 0। सो 2 सेंटीमीटर एक्स डायरेक्शन में चार्ज प्लेस है, 2 सेंटीमीटर वाई डायरेक्शन में है, तो ये हो गया 0। सिमिलरली हमने बोल दिया कि वाई डायरेक्शन में एक चार्ज प्लेस जिसकी वैल्यू है q2 इज इक्वल टू अगेन लेट्स से इट इज प्लस 2 माइक्रो कूलम एंड इट्स पोजीशन वेक्टर इज 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ से थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन q3 एंड लेट्स से q3 इज -2 माइक्रो कूलम। सो एंड बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जनरली इस पैटर्न में इस कॉम्प्लिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, लास्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से इसको हमें कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिस्टम में देखिए, एक बार हमें रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट करना है। इस सिस्टम में रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट दिस ओरिजिन, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, ये फोर्स अप्लाई करेगा इस पे। तो अब यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है, ये चार्ज है नेगेटिव, ये चार्ज है पॉजिटिव, ये फोर्स इस, ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर ये वाला ये पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव होता तो फोर्स की डायरेक्शन होती इस तरह, लेकिन ये चार्ज है अपोजिट नेचर में, नेगेटिव चार्ज है और ये अप्लाई कर रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरह। ये आपको बेसिक चीजें जो ध्यान रखनी है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स की डायरेक्शन होगी नहीं, और इस फोर्स को हमने बोल दिया F31 फोर्स ऑन q3 ड्यू टू q1। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स q1। सिमिलरली दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, अगेन ये पॉजिटिव चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहा है q3 पे, तो अगर ये पॉजिटिव होता तो डायरेक्शन होती इसके डाउनवर्ड्स, लेकिन ये नेगेटिव है इट मींस कि क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसकी भी डायरेक्शन होगी अपवर्ड, और ये फोर्स हो गया F32। क्लियर? समझने वाली चीज यहां पर बस यही है। तो अब हमने यहां क्या किया, कैलकुलेशन कर लिया, एक फोर्स इस तरफ है, एक फोर्स इस तरफ है, पहले दोनों इंडिविजुअल फोर्सेस कैलकुलेट कर लिए और फिर हम वेक्टर मेथड से इनका रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। सो F31 इज इक्वल टू क्या हो गया, के q1 q3 अपॉन R13 स्क्वायर। तो वैल्यूज प्लेस कर दिया, 9 × 10⁻⁹, q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁶, माइक्रोमीटर क्या होता है -6, और ये भी क्या है 2 × 10⁻⁶, तो 2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो देखिए अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसका पोजीशन वेक्टर है 0 0, इसका पोजीशन वेक्टर है 2 cm, 0, तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर डिस्टेंस कितनी होगी 2 cm, तो इसका स्क्वायर मतलब 2 × 10⁻², सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 10⁻², से मल्टीप्लाई कर दिया और कर दिया इसका स्क्वायर। क्लियर? तो कैलकुलेट कर लिया हमने, यहाँ देखिए 10⁻² को देख लिया पहले, 9 − 12, तो प्लस का 9 और माइनस का 12 कितना रहेगा, माइनस का 4, तो माइनस का, तो ये आ गया 9 × 10⁻⁹ × 10⁻²⁴ डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻²। तो देखिए −4 − 12 कितना रह गया, −8, 10⁻⁹ एंड 10⁻⁸ कितना रह गया 10, 4 से 4 तो 9 × 10 कितना हो गया 19, ये फोर्स आ गया 19। सिमिलरली इन दोनों के बीच में फोर्स F32, तो F32 की वैल्यू क्या होगी, के q2 q3 अपॉन r, सॉरी ये 31, सो ये हो गया यहाँ पर R32 का स्क्वायर। तो अगेन देखिए q2 q3 की वैल्यू भी सिमिलर है जो q1 q3 की, इनके बीच में सेपरेशन भी सेम 2 सेंटीमीटर और 0, सेपरेशन हो गया 2 सेंटीमीटर का, तो ये फोर्स भी कितना आ गया 90 न्यूटन का फोर्स आ गया। हमें इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो देखिए इस डायग्राम को वापस से देखिए, ये कुछ इस तरीके से है, ये एक फोर्स तो है इस तरफ, ये तो डायरेक्शन है F31 वेक्टर, ये डायरेक्शन है F32 वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दिस, सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स F। कैसे कैलकुलेट करेंगे,
एंगल कितना होगा दोनों के बीच में 90 डिग्री. तो रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू रूट ऑफ F3² + F3² दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है ना, तो ये कितना होगा 90 डिग्री. क्लियर है? तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन. दूसरा ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता था आपसे, डायरेक्टली आपको बोल देता एक राइट एंगल ट्राइंगल और उसकी वर्टिसेस पे आपको चार्जेस बोल देता, ऐसा भी एक पैटर्न होता है. सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए. जो मैं दूसरा पैटर्न बता रहा हूँ आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है आप, और अगर कोई किसी को डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हैं आप. तो ये हो गया मेरा सेकेंड पैटर्न. ये कोई आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल आपको दे दिए, ठीक है, ये यहाँ पर एक चार्ज दे दिया प्लस 1 माइक्रोन -2 माइक्रोन -3 माइक्रोन, ये डिस्टेंस दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर, ये बोल दिया आपको 4 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस बोल दिया आपको 5 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है. लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है नेट फोर्स ऑन एवरी वर्टिस. हर एक वर्टिस पे आपको एक बार ए पे, तो ए पे जब कैलकुलेट करोगे तो ए पे एक तो फोर्स लगा रहा है, ये एक फोर्स लगा रहा है. बी पे आप नेट फोर्स कैलकुलेट करोगे तो एक फोर्स लगाया है, ए पर जो चार्ज प्लेस है ए जो सी पर चार्ज प्लेस है. सी पर नेट फोर्स कैलकुलेट करोगे एक बार जो ए पर है और एक बार जो बी पर है. इस तरीके से आपको ये इंडिविजुअल फोर्सेज यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो ये सेल्फ प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन आपको. चलिए नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन की हम बात करते हैं. नेक्स्ट पैटर्न एक बड़ा जनरल पैटर्न है जो आपको डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोई भी रेगुलर फिगर हो उस रेगुलर फिगर में अगर वर्टिसेज पे सिमिलर चार्जेस प्लेस हो, वर्टिसेज पे अगर सिमिलर चार्जेस प्लेस हो तो सेंटर पे एट सेंटर नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा होती है जीरो. नेट फोर्स की वैल्यू होती है हमेशा जीरो. तो ये रेगुलर फिगर कौन सा, जैसे मैंने बोल दिया भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये चार्ज Q, ये तीनों चार्ज या तो पॉजिटिव हो या तीनों नेगेटिव हो, तो कैसे प्लस माइनस हो सकते हैं. जब ये प्लस है तो तीनों क्या होने चाहिए, प्लस भी होने चाहिए, माइनस भी हो तो तीनों क्या होने चाहिए, माइनस भी होने चाहिए. तो इसके सेंट्रोइड पे उस सिचुएशन में जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, जीरो. सिमिलरली कोई आपका स्क्वायर हो गया, इस स्क्वायर में अगर वर्टिसेज पे सिमिलर चार्ज प्लेस्ड हैं तो इसके सेंटर पे नेट कूलम्ब फोर्स होगा भी जीरो. सेल्फ प्रैक्टिस करना. और तीसरा हम ले सकते हैं क्यू, क्यू में भी क्या होगा, सेंटर पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो. तो कैसे होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इसका मैं समझा देता हूँ आपको. वेक्टर फॉर्म से करना है, एक बार आपको ये फोर्स कैलकुलेट करना है इस वाले पे करना है. हमने मान लिया कि यहाँ पर सेंटर पे कोई भी चार्ज प्लेस्ड हो, सेंटर में कोई भी चार्ज प्लेस हो इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ चार्ज एट सेंटर. सेंटर में चाहे कोई भी फोर्स हो, क्यू के इक्वल हो ना हो, चाहे ई हो, चाहे क्यू डैश चार्ज हो, हमेशा ही सेंटर पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो. तो आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लेस है, तो एक बार इन दोनों के बीच में फोर्स, एक बार इन दोनों के बीच में फोर्स, एक बार इन दोनों के बीच में फोर्स. कैसे मैं समझाता हूँ कि कैसे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले को समझो एक बार, फिर आप उसके लिए आप बाकी के क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. लेट अस से दिस इज चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमने पहले तो सारे साइड्स के यहाँ पर एक ही इक्वल है. ये हो गया इसका सेंट्रोइड. सेंट्रोइड पे हमने मान लिया कि भाई यहाँ पर कोई चार्ज प्लेस्ड है प्लस क्यू डैश, वो प्लस क्यू डैश चार्ज ये वो चार्ज है. तो
अब इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, देखो यहां पर फोर्स कौन-कौन लगे, एक बार तो ये वाला चार्ज लगाया, तो ये भी पॉजिटिव, ये इस पे फोर्स लगाएगा, क्या करेगा उसको रिपेल करेगा, तो ये होगी भी फोर्स की डायरेक्शन। इस वाले फोर्स को मैंने बोल दिया एफ। सिमिलरली ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिस पे, इसको हमने बोल दिया एफ क्लियर। और सिमिलरली अगर ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिस पे, तो ये हो गया एफ ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या चाहिए आपको, वर्टिक्स और सेंट्रोइड के बीच की आपको डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हो, देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस क्या बताया हमने ए, तो ये यहाँ से यहाँ तक हाफ डिस्टेंस होगी ए बाई टू। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एवरी एंगल होता है 60 डिग्री, तो ये यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये 30 डिग्री, तो देखिए एंगल, ये बेस और हाइपोटेन्यूस आपको कैलकुलेट करना है, तो हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर, तो ये वैल्यू निकल के आती है एंड से हाइपोटेन्यूस इज एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकल के आती है ए बाई टू। सिंपल फॉर्मेट, बेस एंड हाइपोटेन्यूस में क्या रिलेशन होता है cos, तो यहाँ से हम निकालते हैं cos 30 इज इक्वल बेस, बेस हो गया a / 2 अपॉन हाइपोटेन्यूस x, x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया a / 2 cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 / 2, तो cos 30 की अगर √3 / 2 रखा तो cos से 2 कैंसिल और डिनोमिनेटर में क्या आएगा √3, तो वैल्यू हो गई a / 2। तो बस अब कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से यहाँ, ये वाली वैल्यू भी a / √3, ये वाली वैल्यू भी a / √3, ये वाली वैल्यू भी a / √3, q q डैश q q डैश q q डैश, तो तीनों फोर्स भी कैसे हो गए सिमिलर, तो हमने क्या बोल दिया f = f = f हो गया। क्यों कोई दो का रिजल्टेंट निकाल, पहले मान लिया मैंने f पर f का रिजल्टेंट निकाला, तो ये दोनों वेक्टर इस तरीके से हैं, ये तो है f1 वेक्टर और ये है f2 वेक्टर, एंगल देखो इनके बीच में कितना होगा, ये 30 डिग्री, ये 90, 30 90 120, तो ये एंगल कितना होगा 60, ये 60 ये 60 हुआ भी, तो ये 60 ये 60 तो ये 60 ये 60, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा 120 डिग्री, ये एंगल होगा 120, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया, ये एंगल हो गया 120 डिग्री, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया f1 is equal to f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 cos 120 का हो गया क्लियर। इससे आप कैलकुलेट करते हो cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, cos 120 minus 1 by 2 और f1 f2 यहाँ पर वैल्यू सेम, तो f1 is equal to क्या हो गया f1 square plus f2 square और ये क्या हो गया यहाँ पर minus 1 by 2 cos 2 cancel हो गया है minus f1 square, तो देखिए भाई f1 square से f1 square cancel, तो f1 square का root, तो f1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर f1, इसका मीन क्या हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा तो ये हो गया f1 अपवर्ड डायरेक्शन। अब नेट फोर्स निकालना है आपको, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया ये इस डायरेक्शन में f1 और f3 एंगल इसके अपोजिट, तो अब f3 और f1 का रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, सो f नेट की वैल्यू क्या होगी यहां पे, f की वैल्यू क्या होगी 0। इस तरीके से किसी भी आप रेगुलर साइड के रेगुलर फिगर के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई यहां पर रिजल्टेंट कूलॉम फोर्स सेंटर पे क्या है, क्लियर गाइस। तो ये आज हमने बात करी कूलॉम फोर्स और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स की। ओके गाइस, तो कल हम बात करेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कर अपन स्टार्ट करेंगे टॉपिक। तो अब तक आपने जो कुछ भी डिस्कस किया है, इसमें किसी को डाउट कन्फ्यूजन किसी टॉपिक में रहता है, किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रह गया इसलिए कैसे हुआ क्या हुआ स्टेप वगैरह समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को डाल सकते हो, चैनल मेरा फिजिक्स गुरु जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो लाइक कर सकते हो, जितने भी नीडी स्टूडेंट्स आपके कोई भी दोस्त पड़ोस में है जो क्लास 11th में हो और बोर्ड के साथ साथ अगर नीट जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उन तक जरूर एक बार आप ये इसको शेयर कीजिए सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। क्लियर गाइस, थैंक यू।